हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से एक बार आपके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी, जहां पे आप ऑनलाइन क्वेश्चन आंसरिंग करके आप अपने ऑनलाइन अर्निंग यहां पे बना सकते हैं। जहां दोस्तों आज के पर्टिकुलर वैकेंसी आई है त्रिवेम एजुकेशन सर्विस की तरफ से, जो कि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी कितनी जेन्युइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली काम क्या करना है, सिंपल जो ऑन बोर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको सिंपल आंसर कर देना है। ठीक है, तो ये वैकेंसी मतलब क्या है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस वीडियो में हम जान लेने वाले। ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, वहां पे मैं रेगुलरली जो भी जॉब अपडेट्स होते हैं वहां पे रेगुलरली मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो मेक श्योर आपने उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन किया है। ठीक है, उसका लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की जॉब डिटेल्स के बारे में। तो आज का जो जॉब डिटेल्स है वो बिल्कुल वर्क फ्रॉम है, रिमोट है, आप इसे घर बैठ के कर सकते हैं। जब चाहे आपके पास अगर टाइम होता है तब आप इस पे प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करके आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जॉब वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पे आपको जो यूएस बेस्ड जो स्टूडेंट्स है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं एकेडमिक, उनको आपको आंसर कर देना है। आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले। सो मेक श्योर आपके पास आपके सब्जेक्ट का सफिशियंट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन से होंगे, जी हाँ, थोड़ा सा सबर कीजिए, मैं आपको यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सिंपल आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व कर देने हैं। क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, पर्टिकुलरली उनका मतलब त्रिवेम एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन उनके प्लेटफॉर्म पे जाके लॉग इन करके आपको वहां पे क्वेश्चंस सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन की आंसरिंग करते समय उनकी जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, विल बी पेड पर आंसर वाइज, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चंस का आपको, हर एक सॉल्यूशन का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कितना मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, अकॉर्डिंग टू 80 रुपीज टू 200 जो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। कैन चूज ओन वर्किंग आवर्स, मतलब आपको जब चाहे फ्री होंगे आप यहाँ पे लॉग इन करके आपके ऑनलाइन अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांस, आप यहाँ पे घर बैठ के आप अपने ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देन अर्निंग पोटेंशियल विल बी एज गुड एज योर स्पीड ऑफ प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सॉल्यूशन, मतलब जितना फास्ट आप यहाँ पे काम करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि चेक पे अगर आप दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मंथली आपकी 30,000 से ऊपर आपके यहाँ पे अर्निंग हो जाती है। वैसे यहाँ पे जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यानी कि जितने काम करने की स्पीड आपकी ज्यादा है उतनी ज्यादा आपने अर्निंग यहाँ पे होगी। ठीक है, द मोड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस वुड बी ऑनलाइन, मतलब आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेंगे उनको आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। अब आपके पास कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, तो एक्सेलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, यहाँ दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। एक्सेलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि राइटिंग एंड रीडिंग एक्सलेंट होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आएंगे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ट्यूटरिंग कंटेंट डेवलपमेंट, यानी अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपकी सीरियस के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे मिनिमम ग्रेजुएशन है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ग्रेजुएशन है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स, कंटेंट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, देन बायोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये 5 से 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग के लिए फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सर्फिंग द इंटरनेट, यानी कि अगर कोई आपको दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको इंटरनेट सर्चिंग भी करना पड़ेगा, तो इसकी भी आपको मतलब थोड़ी सी एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। देन मैंडेटरी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड, अब आपके पास और क्या टेक्निकल स्पेक्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सब बता दिया है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि टॉप ये जो जॉब है ऑनलाइन है इसलिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, जो कुछ सॉल्यूशन से आपको लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर देने। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर टू सबमिट द ऑनलाइन टेस्ट ऑफ योर पर्सनल प्रेफर सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट भी देना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है सिलेक्शन की मैं यहाँ पे आपके आगे जाके बताने वाला हूँ। ठीक है, देन कैंडिडेट मस्ट बी एक्टिव ऑन मेल्स एंड कॉल्स थ्रू आउट द हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस, मतलब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तब आप मेल पे और कॉल पे एक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको उनकी तरफ से मेल आए और आप
और 2 दिन के बाद देख रहे हैं, इसलिए आपको एक्टिव होना चाहिए वहां पे, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसेस, अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में मिनिमम आपको 70% मार्क यहाँ पे लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश राइटअप टेस्ट भी देना पड़ेगा, अगर आप वो क्वालिफाई हो जाते हो तो सब्जेक्टिव राउंड विल बी टेकन बाय QA, यानी कि QA की जो टीम होती है वो एक आपका सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट भी देगा। अगर ये 3 राउंड आप यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते तो आपकी यहाँ पे हायरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट विंडो, मतलब आपके यहाँ पे काम कितना करना है, आपको यहाँ पे दिन में मिनिमम 3 घंटा, तो यहाँ पे 2 से 3 घंटा यहाँ पे काम करना है। आप कभी भी कीजिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, या फिर सक्सेसिव कॉन्सिक्यूटिवली 3 आवर्स, यहाँ पे कैसे भी काम कीजिए, यहाँ पे नो इश्यू, ओके। मतलब दिन में आपको मिनिमम 3 घंटा यहाँ पे काम करना है, ठीक है। देन ओके, अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक मेल आईडी भी दिया है, shubhangi.pandita@tvmedu.com ईमेल आईडी दिया है, वहां पे आप सिंपल अपना CV या फिर रिज्यूमे भेज के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम है, आप यहाँ पे श्योरली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना, जाते जाते हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।